रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से ये क्रोशे के रैबिट लाई हूँ। ये क्यूट से रैबिट बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाते हैं, और ये बेबी बूट्स पे, बेबी शूज़ पे और बेबी जो हमारे फ्रॉक्स होते हैं उन पे आप लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 1.10 mm का क्रोशा है मेरा। मैजिक रिंग बनाने के बाद आप 5 चेन से भी इसे बना सकती हैं, और इस तरह से मैजिक रिंग भी बना के आप इसे बना सकती हैं। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे और फिर से डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, और अगर चेन को काउंट करें तो यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे। चेन के साथ हमारे जो हमने 3 चेन फास्ट लूप्स में हमने जो 3 चेन ली थी उनके साथ काउंट करें तो ये हमारे 6 लूप्स हो जाएंगे। 3 चेन लेके ये जो हमारा छठा लूप्स है उसमें हम इस तरह से स्लिप क्रोशे से हम ज्वाइंट कर लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा धागे को और खींचेंगे और 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए आप काउंट करके 10 डबल क्रोशे बनाएं। यहाँ मेरे 10 हो चुके हैं। अच्छे से धागे को खींच के हम 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3। और ये जो हमारा 10वां लूप्स है उसमें इस तरह से ये देखिए बीच में डाल के हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम रैबिट का हेड बनाएंगे, और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन के साथ जो हमने 3 चेन ली हैं शुरू में, 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे। ये देखिए ये हाइट रेडी है, और इसके ऊपर हम 5 चेन और लेंगे। यहाँ पे हम ईयर बनाएंगे, 5 चेन लेके ये देखिए 1 चेन स्किप करने के बाद डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारी 5वीं चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद 1 चेन छोड़ के दूसरी वाली में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बना के 5वीं चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 2 ईयर रेडी हो चुके हैं, और हेड पे जो हमारा छठा लूप्स था उसमें हम स्लिप क्रोशे से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए चेन वाला लूप छोड़ के दूसरे वाले में हम सिंगल क्रोशे से इस तरह से इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे धागा में कट कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही कम टाइम में इस तरह का हमारा रैबिट तैयार हो जाता है। जस्ट 5 मिनट्स में आप इसे बना सकती हैं। पीछे वाले धागे को हम नॉट लगा के, अच्छे से नॉट लगा के हम इसे काट लेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे मैं छोटा सा इस तरह का फ्लावर भी आपको बनाना दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम 8 चेन लेंगे, एट चेन लेने के बाद दो चेन स्किप करने के बाद यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएं। यहाँ पे हमारी 6 चेन बची हैं, उन पे ही हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ही आसान सा है ये, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप इसे आसानी से बना के अपने बेबी कैप्स पे, बेबी फ्रॉक्स पे और बेबी शूज़ पे आप इसे लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कम टाइम में आपके इस तरह के रेडी हो जाएंगे। इस तरह से नॉट लगा के हम धागे को कट कर देंगे, और ये जो हमारे ये देखिए नॉट वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से बीच में देते हुए फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम, आप चाहें तो इसे गिलू के साथ भी लगा सकती हैं और नीडल के साथ भी स्टिच कर सकती हैं, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे बना लें इसे। ये देखिए, आप इसे इस तरह से लगा लें। ये देखिए, छोटा सा हमारा फ्लावर बहुत ही क्यूट लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अगर आपके पास इस तरह की पतली वाली लेस हो तो आप उसे थोड़ा सा हिस्सा कट करके आप इसके आइज़ बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई छोटा से मोती हो तो वो भी आप लगा सकते हैं आइज़ की जगह। ये देखिए, यहाँ पे मैं गिलू के साथ इसे लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने लगा लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा रैबिट रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।